कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने कड़े लॉकडाउन की घोषणा कर दी, लेकिन लोग हैं कि अपने मनमानी करने पर तुले हैं। कड़े लॉकडाउन में भी दुपहिया वाले अपनी गाड़ी लेकर धूम मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन धूम मचाने वालों पर आखिर में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी है। इसमें पुलिस ने 20 दुपहिया चालकों पर कार्रवाई करके दंड वसूला। कड़ी संचार बंदी की वजह से सभी दुकानें बंद थी, सड़कें सुनसान थी, बाजार लाइन के साथ साथ रिहायशी इलाके में भी वीरानी नजर आए। लॉकडाउन को निभाने उप विभागीय अधिकारी चंद्रकांत खंडाइत, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम, तहसीलदार श्रीराम मुंदड़ा, थानेदार संपत चव्हाण के मार्गदर्शन में पुलिस मुस्तैदी से गश्त कर रही थी। माननीय जिल्हाधिकारी वर्धा आदेशानुसार जिल्ह्यामध्ये कडक लॉकडाउन आहे। हिंगणघाट शहरामध्ये सुद्धा कडक लॉकडाउन चालू आहे। त्या अनुषंगाने हिंगणघाट पोलीस स्टेशनतर्फे कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे। कालपासून आम्ही 30 मोटरसायकलवर कारवाई करण्यात आलेली आहे। जे विनाकारण फिरत आहेत, विनाकारणच मेडिकलचं कारण सांगून किंवा दवाखान्याचं कारण सांगून विनाकारण फिरत आहेत, त्यांच्यावरसुद्धा काल कारवाई केली आणि ही कारवाई सतत 5 दिवस सरळ चालू राहणार आहे। जे कोणी विनाकारण फिरणार आहेत त्यांनी यातून बोध घ्यावा, विनाकारण फिरू नये, तोंडाला मास्क वापरावा। मी सर्वांना आवाहन करतो की या कडक लॉकडाऊनचं सर्वांनी पालन करून पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावे। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।